नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे फिल्म पठान की। फिल्म पठान ने जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, उस पर कंगना रनौत का बड़ा बयान आ गया। कंगना रनौत ने जो है, एक वक्त ऐसा था जब फिल्म पठान को लेकर उन्होंने नेगेटिव बयान दिया था, उसका बहिष्कार किया था, यानी कि बॉयकॉट गैंग में शामिल हो गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से जबरदस्त कमाई हुई है, उसके मद्देनजर उन्होंने अपना नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने पूरी तरह से यूटर्न ले लिया और यूटर्न लेकर क्या ट्वीट किया, आइए जरा सुन लीजिए। शाहरुख खान स्टार पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म को फैंस की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है। फिल्म को फैंस से लेकर सेलेब्स सभी की ओर से तारीफ मिल रही है। अब फिल्म की तारीफ करने वालों में कंगना रनौत का नाम भी शामिल हो गया है। कंगना का पठान की तारीफ करना इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही बिना नाम लिए पठान की कमाई की प्रेडिक्शन को लेकर निशाना साधा था। अब तो फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़ती दिख रही हैं। कंगना रनौत ने अपने आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रैप आप पार्टी में पठान के बारे में बात की। अपनी इमरजेंसी की सह कलाकार अनुपम खैर और सतीश कौशिक के साथ मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि वह चाहती हैं कि फिल्म निश्चित रूप से काम करे क्योंकि उन्होंने एक्शन फिल्म की प्रशंसा की जिसमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कंगना ने कहा, पठान अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो हमारे हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हर इंसान अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में चलनी चाहिए। इस बार अनुपम खेर ने हिंदी में यह भी कहा, यह पठान एक बहुत बड़ी फिल्म है जो बहुत बड़े बजट पर बनी है। अब अंधभक्त जो बॉयकॉट करते हैं उनके भी होश उड़ गए होंगे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी 9 न्यूज़।